नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा और यह है उत्तर प्रदेश की खबरों का खास बुलेटिन, जिसमें आपको मिलेगी सूबे से जुड़ी पूरे दिन की हर छोटी बड़ी अपडेट। तो शुरू करते हैं पहली खबर। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अलग अलग दलों के नेताओं की सियासी जोड़तोड़ की कोशिश शुरू हो चुकी है। बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के साथ मुलाकात की है। राजभर के एनडीए में शामिल होने के कयास एक बार फिर से लगाए जा रहे हैं। हालांकि राजभर ने यह कहा है कि गठबंधन के लिए बीजेपी को उनकी 5 मांगें माननी ही पड़ेंगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव बेहद करीब हैं और राज्य में नए नए समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं। आज एक प्रत्याशित घटना हुई। सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की। वो भारतीय जनता पार्टी जिसको दफन करने की कसम खा चुके थे, आज मुलाकात हुई। तो मुलाकात हुई और क्या बात हुई, ये जानने के लिए हमारे साथ खुद ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद हैं। राजभर जी, मुलाकात हुई, क्या बात हुई आपकी? शिष्टाचार मुलाकात थी और स्वाभाविक है कि जब दो नेता मिलते हैं तो राजनीति की चर्चा होती है जी। उसमें उन्होंने हमसे पूछा कि आपकी पार्टी का क्या चल रहा, कैसे चल रहा है। हमने भी उनसे उनके विषय में बातचीत किया और दो टूक हमने कहा कि आप तो थे, उसमें मिनिस्टर थे, वो परिवहन मंत्री थे जी। उन्होंने भी मनाने की कोशिश किया कि साथ मत छोड़िए। तो जब मैंने उस समय भी कहा कि देखिए, हम पिछड़ों के हित के लिए बात करते हैं, हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, तो वही चीज़ तो हम छोड़ छाड़ के आ गए। तो यही सब बात उनसे हुई थी। हम तो साफ साफ आज भी कह रहा हूँ, आपसे भी के माध्यम से कह रहा हूँ कि देश में जातिवार जनगणना, कौन कौन सी जाति कितनी कितनी आबादी है, इसका अलग जातिवार जनगणना भाजपा केंद्र प्रदेश में सरकार करा ले। 9 प्रदेशों में पिछड़ी जाति का 27% आरक्षण बांट के दिया जा रहा है, इसको लागू कर दे। प्रदेश में एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, फ्री शिक्षा कर दे। घरेलू बिजली का बिल माफ कर दे। गरीबों का इलाज फ्री में करे, कानून बना दे। और 33% महिलाओं का जो आरक्षण विचाराधीन है लोकसभा में, उसको लागू कर दे। और उत्तर प्रदेश में बिहार, गुजरात, पांडिचेरी की तरह शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी कर दे। उसके बाद उत्तर प्रदेश का सीएम पिछड़ी जाति का घोषित करे, तो फिर उसके साथ विचार किया जा सकता है। तो क्या इन बातों पर सहमति बनी है? क्या कहा स्वतंत्र देव जी ने? इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हमने बीजेपी को छोड़ा है। तो अगर बीजेपी हमसे दोस्ती करना चाहे तो इन सब चीज़ों को लागू करे, तब विचार किया जा सकता है, उसके पहले नहीं। अच्छा, लेकिन आपने तो भागीदारी संकल्प मोर्चा बना रखा है जिसमें ओवैसी भी शामिल है, तो कैसे आप जाएंगे? भाई देखिए, बीजेपी में शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, जफर इकबाल ऑलरेडी उनकी पार्टी में है, मंत्री भी है ना। उसके बाद कश्मीर में जब सरकार बनानी हुई तो बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती से समझौता करके कश्मीर में सरकार बनाया। तो हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा, जब ये चीज़ें लागू कर देंगे तो हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा गठबंधन कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप सुहेलदेव पार्टी का गठबंधन नहीं करेंगे, अब आप भागीदारी संकल्प मोर्चा से का गठबंधन करेंगे बीजेपी? हम अकेले नहीं जाएंगे, जब भी जाएंगे तो हमारा मोर्चा साथ रहेगा। तो अभी मोर्चे में कितने दल शामिल हैं? 10 लोग हैं हमारे साथ। प्रेमचंद प्रजापति हैं, बाबूराम पाल हैं, रामसागर बिंद हैं, रामकण कश्यप हैं, अनिल चौहान हैं, कृष्णा पटेल हैं, बाबू सिंह कुशवाहा हैं, हम हैं, 10 लोग हम लोग हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पिछड़ी जाति का मुख्यमंत्री हो, लेकिन केंद्र ने स्पष्ट कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे, तो क्या उनके नेतृत्व में आप चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? नहीं, हम नहीं पसंद करेंगे, इस नाते कि जिस व्यक्ति में अहंकार हो, सही बात कोई बतावे तो उसको जेल, कोई पत्रकार सही बात कहे तो उसको जेल, कोई अधिकारी करे तो उसको जेल, कोई नेता कहे तो उसको जेल, और हाथरस में बेटी के बलात्कार होता है उसको कह रहे हैं कि नहीं हुआ, 12 बजे लाश जलवा दे रहे हैं, वो तो सीबीआई जांच भी दूध का दूध पानी का पानी हो गया। आए दिन प्रदेश में लूट हत्या हो रही है, बड़े पैमाने पर महंगाई मुंह बाए हुए गरीबों को लूट रही है, खा रही है, इस पर चिंता करने की बात नहीं है। आज महंगाई पे कोई बीजेपी का कोई नेता महंगाई पे बहस करने के लिए तैयार नहीं है, खाली चर्चा करते हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, अगड़ा पिछड़ा, यही सब बात खाली उनके दिमाग में है। ये नहीं है कि आज महंगाई उठा के आप देखिए, गैस सिलेंडर 400 से लगभग 900 पार कर गया, वो उनको नहीं दिखाई दे रहा है। आज अरहर की दाल 50 रुपया से 150 हो गई, सरसों का तेल जो 55 रुपया था आज 250 चला गया,
पेट्रोल जो है 60 रुपया से चला गया, 100 पार कर गया डीजल। लेकिन राजभर ये तो केंद्र का विषय है ना, हम आप तो उत्तर प्रदेश में गठबंधन। नहीं तो ये तो कहते इनका नारा था ना कि डबल इंजन की सरकार, तो डबल इंजन की सरकार है ना, सिंगल नहीं ना है, डबल इंजन की है। इस नाते इतनी महंगाई है, इससे बढ़िया तो सिंगल इंजन की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते ना कि डबल इंजन की सरकार रहेगी तो गरीबों का भी हित होगा, तो डबल इंजन की सरकार है ना महंगाई कर रही है। यहां भी भाजपा की सरकार, वहां भी भाजपा की सरकार। अगर आपके तेवर इतने तल्ख रहेंगे तो समझौता कैसे होगा? हमारी चीज मान ले, हम 5 चीजें जो कह रहे हैं इसको लागू कर दें, लागू कर दें तो उसके बाद तो हमारा तल्ख जो है कमजोर हो जाएगा। अगर कोई पिछड़ी जाति का सीएम घोषित कर दे या जो बाकी 5 मांगे वो मान ले तो आप समझौता कर? बिल्कुल कर सकते हैं, हमारा मोर्चा कर लेगा। और अगर वो कहते कि नहीं सिर्फ आपको ही लेंगे भागीदारी संकल्प मोर्चा, हम नहीं जाने वाले हैं, अकेले नहीं जाने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी से मतलब इस बारे में चर्चा कर दी आपने, सब अपनी शर्तें रख दी हैं स्पष्ट? नहीं नहीं, उनके ये उनके हम क्यों शर्त रखेंगे? मतलब ये बात मैं आपसे कह रहा हूं कि जब मैं बीजेपी को छोड़ा तो मेरी यही शर्तें थी, इसके वजह से छोड़ा। आज अगर बीजेपी अपने साथ लेना चाहती है तो ये शर्तें लागू तो करे जो चुनाव के पहले हमसे वादा किया था, जनता के बीच में जो वादा करके सारे वादे तो मुकर गई बीजेपी, तो किस मुंह से जाएंगे वोट मांगने के लिए? चेहरा तो केशव मौर्य का दिखा के वोट मांगा गया था, आप सब लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है, और आपने केशव मौर्य को धोखा दे दिया, डिप्टी सीएम बनाया तो। अरे उपमा ने चुप, हमारे यहां प्रधान हमारे पिताजी थे, उप प्रधान था वो बेचारा, 5 साल समझ ही नहीं पाया कि हम उप प्रधान हैं कि नहीं है। तो अभी भी संभावनाएं हैं बीजेपी के साथ जाने की आपकी? हमारी 5 शर्तें हैं, उसको लागू कर दे तब उसके बाद विचार करूंगा। तो यह है ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि उनकी 5 मांगे मान ली जाएं तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी भी जाने को तैयार है। सियासत संभावना का खेल है और संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि आने वाले वक्त में चुनाव करीब आए तो एक बार फिर बीजेपी और ओम प्रकाश राजभर एक साथ नजर आए, लेकिन शर्त अभी भी उनकी यही है कि वो भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ ही गठबंधन करेंगे। यानी अब अगर बीजेपी को उनका साथ चाहिए तो उनको ओवैसी को भी साथ में लेना पड़ेगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ माना श्रीवास्तव, लखनऊ, News 24। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए जहां अखिलेश यादव चीतोड़ मेहनत कर रहे हैं, वहीं उनकी पार्टी के नेता आपस में लड़ रहे हैं। एक ऐसा ही वीडियो संत कबीर नगर से सामने आया है जहां समीक्षा बैठक के दौरान दो समाजवादी पार्टी के नेताओं में जमकर नोकझोंक हो गई। जानिए क्या है माजरा इस रिपोर्ट में। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए जहां अखिलेश यादव जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं, वहीं उनकी पार्टी के नेता लगातार आपस में लड़ रहे हैं। एक ऐसा ही वीडियो संत कबीर नगर से सामने आया जहां समीक्षा बैठक के दौरान दो समाजवादी लीडर्स के बीच जमकर नोकझोंक हो गई। दरअसल समाजवादी पार्टी कार्यालय पर समीक्षा बैठक के दौरान जिले के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे, जिसमें एसपी प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे ने एसपी के कद्दावर नेता सुनील सिंह को बाहरी बोल दिया। फिर क्या था, एसपी लीडर सुनील सिंह भावुक हो गए। फिर एसपी प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष कहा कि आपने हमें गैर बना दिया, आपका स्वागत है। इतने में प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे खड़े हो गए और दोनों नेताओं के बीच जमकर नोकझोंक हुई। काफी समझाने के बाद मामला शांत हुआ। आपको बता दें कि सुनील सिंह कभी सीएम योगी के बेहद करीबियों में गिने जाते थे, लेकिन एसपी में आने के बाद सुनील सिंह सीएम योगी आदित्यनाथ पर अक्सर हमलावर रहते हैं। आप भी देखिए एसपी नेता की नोकझोंक का ये वीडियो। मैंने उसी दिन अपना पिंडदान कर दिया था, मैं योगी आदित्यनाथ के राजनीति का पिंडदान कराने समाजवादी पार्टी में आया हूँ, विधायक बनने नहीं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ प्रबुद्ध साहब, किसी के मन के लाल में औकात नहीं है जो योगी आदित्यनाथ को पिंडदान कहने की बात कर दे। आपके सामने फूल चढ़ जाए ये मैं भी नहीं जानता।
आप मुझे गैर बना दिए, मैं आपको प्रणाम करता हूं। हमेशा विवादित बयान से सुर्खियों में रहने वाले सांसद साक्षी महाराज एक बार फिर से चर्चा में हैं। उन्होंने अखिलेश को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वो कहते हैं कि योगी जी को ठोकना आता है तो बच के रहें, कहीं नंबर ना आ जाए। उन्होंने कहा योगी को कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, उन्हें तो ठोकना आता है। तो हम पत्रकारों से कहा अखिलेश को समझा दो, ठोकना आता है तो जरा बच के रहें, तुम्हारा नंबर ना आ जाए। तो कबूल कर रहे कि ठोकना आता है, दुष्टों को ठोका नहीं जाएगा, आतंकियों को ठोका नहीं जाएगा, जिन लोगों ने नाजा जमीन पर कब्जा कर लिया ठोका नहीं जाएगा। तो भी जो कर रहे हैं, कल माननीय अमित शाह जी आए थे, मुख्य कंठ से योगी जी की प्रशंसा की, तो आपको इतना बढ़िया मुख्यमंत्री मिला है, इतना बढ़िया प्रधानमंत्री मिला है और इतना बढ़िया आपको विधायक मिला है। और हम तो संत हैं, गाजर के संत, संत होते हैं ना, गाजर के संत बजे तो बजाए लो ना सब्जी बना के खा। हम तो आप संत है, काम होगा काम कर दर्शन तो हो ही जाएंगे। गोस्वामी जी लिखा है संत दस दिन पाद कर रही, तो हम तो सूर्य बन रहे, तीन बन रहे, काम आने वाले हैं आपके लिए। मुझे अभी लोकसभा जाना है, वहाँ अजली लगानी होती है, वोट पड़ता है, वोट डालना होता है। लखनऊ से एक लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लड़की कैब ड्राइवर को थप्पड़ मार रही थी। अब कैब ड्राइवर भी सामने आ गया है, उसका कहना है कि लड़की ने बिना वजह उसके साथ मारपीट की है, साथ ही पुलिस वालों ने भी उसकी नहीं सुनी। आप भी सुनिए कैब ड्राइवर ने क्या कुछ कहा। सादत अली सिद्दीकी। क्या करते हैं आप? ओला ड्राइवर सर। क्या घटना हुई थी, कहाँ पर थे, क्या पूरी वारदात थी? मैं कृष्णा नगर थाने से अपने घर के लिए जा रहा था, आलमबाग नहरिया चौराहे पे ग्रीन लाइट थी, उसके बाद मैंने गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ाई, ट्रैफिक बहुत था, फिर रेड लाइट हो गई। यातायात का पालन करते हुए मैंने अपनी गाड़ी को रोक दिया। राइट साइड से महिला एक क्रॉस कर रही थी ग्रीन लाइट पे, क्रॉस करने के बाद फिर वो वापस मुड़ के आई, उसने मेरे गाड़ी से मोबाइल निकाला, तोड़ दिया। जब तक मैं बाहर आया मैंने उससे पूछा मेरी क्या गलती है, कुछ नहीं बोली। फिर दोबारा उसने तोड़ा, चार पांच बार मोबाइल पूरा डैमेज कर दिया मेरा। फिर पुलिस प्रशासन खड़ा था, उसने भी कुछ नहीं एक्शन लिया। मैं सिर्फ यही चिल्ला रहा था कि महिला पुलिस बुलाई जाए, ये मुझे क्यों मार रही है। आपकी गाड़ी के बगैर भी नुकसान किया था उसने? जी, गाड़ी का भी नुकसान हुआ है, दोनों मिरर ख़राब करे हैं और मेरा मोबाइल और मेरा पैसा था उसमें, वो भी उसने निकाला है। लगभग कितने का नुकसान हुआ था? 600 रुपये गाड़ी में कैश रखे थे, क्योंकि ओला ड्राइवर की इतनी हैसियत होती नहीं कि बस इतना ही कमा सकता है। उसके बाद क्या हुआ, उस घटना के बाद फिर पुलिस का क्या रवैया रहा, क्या आप थाने पहुँचे या आपके खिलाफ भी कोई शिकायत कराई गई थाने में? थाने पर जब हमें ले गए तो हमने बोला साहब मेरी क्या गलती है, मुझे आप छोड़ दीजिए। लेडीज़ का पक्ष लिया गया, उसकी रिपोर्ट लिखी, मगर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे वकील साहब हैदर साहब और रियाज साहब ने हमें छुटवाया। कृषि कानूनों को पूरी तरह से वापस लेने की मांग को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। आज किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पर मोटरसाइकिल रैली निकाली। किसानों ने ऐलान किया कि वो 15 अगस्त को गाजीपुर बॉर्डर पर झंडा फहराएंगे।
नैनीताल से एक लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो पुलिस वालों को वर्दी उतारने की धमकी दे रही है। क्या है मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। हमारे प्रशासन को बदतमीजी नहीं कर सकता यहाँ से बदतमीज खाने पता तो फिलहाल यूपी की खबरों के इस खास बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात सूबे की तमाम अहम खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।